सो यार, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि ये जो लाइटर होता है ना, 10 रुपये का लाइटर, आपका आप पान बीड़ी की शॉप पे आसानी से तो मिल ही जाएगा यार। इसके अंदर जो स्पार्किंग मैकेनिज्म होता है, क्या वो जो है हमारा गैस लाइटर, यानी गैस लाइटर की तरह भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि यार ये लाइटर जो है इससे काफ़ी अच्छी तरह से लाइट अप हो जाता है, यानी चालू हो जाता है, लेकिन क्या हमारा गैस जो है, जो घर में चूल्हा रहता है, उसको हम जला सकते हैं कि नहीं इसके मदद से? तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे, और मैं इसकी मदद से जो इसका स्पार्किंग मैकेनिज्म होता है उसके मदद से जो है मैं एक यहाँ पर लाइटर बना के दिखाऊंगा। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि यार ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। एक और बात याद रखना फ्रेंड, कि अगर आप इसको बना रहे हो तो यार आपको एक दो छोटे मोटे झटके भी लग सकते हैं, तो यार सावधानी से बनाना। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसका स्पार्किंग मैकेनिज्म निकाल लिया है। ये मैंने पुराने वाला लाइटर से निकाला है, क्योंकि ये वाला जो लाइटर है, येलो वाला जो देख रहे हो आप, यार इसमें का तो अभी भी गैस बचा हुआ है, तो इसके वजह से मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पुराने वाले लाइटर में से निकाला है जो कि ख़राब हो चुका था और उसका गैस भी ख़त्म हो चुका था। सो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसको कहाँ से निकाला, इस ये जो है कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा रहता है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ यार, किस तरह से एक स्पार्क करता है। यार यहाँ पर देख सकते हो, मैं कैमरे में 4-5 बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपको यार 2 से 3 बार ही दिखेगा, क्योंकि यार इसका लाइट इतना कम हो रहा है ना कि आप आँख से ही देख पाओगे यार, मेरे मोबाइल का कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। तो चलो अब देखते हैं यार इसको हम किस तरह से बनाने वाले हैं। तो यार आपको इस तरह का एक स्टील वाला पाइप लेना है, आप चाहो तो यार तकरीबन 7 से 8 इंच का पाइप ले सकते हो, मैंने यहाँ पर जो है 6 इंच का पाइप लिया है। आपको जो है एल्यूमिनियम का, स्टील का, या फिर जो भी मतलब जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके उस तरह का पाइप आपको ले लेना है, या फिर आप एक रॉड भी ले सकते हो, और देन एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, और इसको जो है कुछ इस तरह के शेप में जो है कट करना है अच्छी तरह से। देख सकते हो यार आप इसको जो है बड़े आसानी से कट कर पाओगे, आप इसको आरी से कट कर सकते हो या फिर एक्सा ब्लेड से, किसी से भी कट कर सकते हो। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कुछ इसको इस तरह से कट किया है, और जो दूसरा कटा हुआ पार्ट है उसको मैं इसके नीचे इस तरह से लगा दूंगा। सो आगे मैं भी आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से लगाया है। सो फ्रेंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको जॉइंट कर दिया है, और नीचे से मैंने एक स्क्रू भी लगा दिया ताकि अच्छी तरह से टाइट हो जाए, और बचा हुआ पार्ट मैंने कट कर दिया है, और इसके साइड साइड भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है कट कर दिया है, ताकि ये जो हाथ में हमारे अच्छी तरह से एक गन की तरह जो हमारे हाथ में आ जाए। तो मैं इसको लाइटर को जो थोड़ा सा गन के शेप में बना रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही रहेगा, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। जब बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मेहनत करके ही बनाता हूँ, ताकि देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो अभी मैं इसको जो है फाइल की मदद से जो अच्छी तरह से इसको हर एक कॉर्नर को अच्छी तरह से मैं यहाँ पर स्मूथ कर दूंगा, ताकि ये देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे, और जब हम इसको हाथ में लेंगे तो यार कहीं भी हाथ में चुभेगा नहीं, और काफ़ी अच्छी तरह से हमारी जो है हाथ पे जो इसकी ग्रिप अच्छी तरह से बनी रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रहा हूँ। फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो फाइनली ये हमारा रेडी हो चुका है, और यार कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तकरीबन 1 घंटा तो लग गया इसको क्लीन करने में ही, लेकिन अभी ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारा जो है इसका मैकेनिज्म, जो स्पार्किंग मैकेनिज्म है, उसको इसमें अंदर फिट करना है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर लगाने वाला हूँ, देख सकते हो, और इसके लिए मैं यहाँ पर एक होल करूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक होल कर दिया है, और होल के अंदर जो है कुछ इस तरह से मैं इसको लगाऊंगा। और फ्रेंड आपको चाहिए 2 वायर लेना है कुछ इस तरह से, और इन दोनों वायर को कहाँ कहाँ ज्वाइंट करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये वायर जो है फ्रेम से बाहर ना आए, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर वायर के लिए स्लॉट बना देता हूँ, जिससे जो वायर जो इस फ्रेम के अंदर ही कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि यार सभी चीज़ें अच्छी तरह से दिखें और अच्छी तरह से यार बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको किस तरह से लगा रहा हूँ। सो फ्रेंड यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो यार वीडियो को लाइक तो करना ही, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो तो मैं इस पर थोड़ा सा सेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर वायर एक लगाने वाला हूँ, जिससे जो है वायर का जो है इस पर अच्छी तरह से कनेक्शन बना रहेगा। तो मैंने व्हाइट वाला वायर जिसके ऊपर कनेक्ट कर दिया है, जो रेड वाला वायर है वहाँ पर मैं रेड वाला वायर कनेक्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने दोनों वायर को भी कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें इसके अंदर इसके कुछ इस तरह से लगा दूंगा, और इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर फेविक्विक का उपयोग करूँगा। सो आप ध्यान रखना कि यार फेविक्विक जो है ज़्यादा ना लगाना, कि आपका जो है लाइटर का जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म ही जाम हो जाए। इसकी वजह से यार उसको अच्छी तरह से आराम से लगाना, मैंने भी यहाँ पर आराम से लगाया है, इसलिए मैंने यार उतना वीडियो का पार्ट कट किया, क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए आप इसको बड़े ही आराम से लगाना, क्योंकि अंदर एक बूंद भी चला गया तो ख़राब हो जाएगा हमारा लाइटर। मैंने अभी आपको यार इसका टेस्टिंग भी करके दिखाया थोड़ा सा, कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो चलो अभी इसकी पाइप को भी हम लोग इस तरह से लगा देते हैं। पाइप को जो है मैं इस तरह से लगाने वाला हूँ, और लगाने के बाद इसको जो है फेविक्विक की मदद से जैसी तरह से फिक्स कर दूंगा, ताकि एक जगह पर बना रहे और बार बार हिले नहीं। फेविक्विक से यार काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जाता है,
और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी करता है फेविक्विक इसके ऊपर। सो अब मैं जो व्हाइट वाला वायर था उसको अच्छी तरह से छिलूंगा पूरा, और छिलने के बाद जो है उसको मैं पाइप के ऊपर कुछ इसी तरह से लपेट दूंगा ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है ग्रिप बना ले अपनी। और उसके बाद जो हमारा रेड वाला वायर था उसको मैं इस पाइप के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका दूंगा, और इसको यार अभी तक छिला नहीं है मैंने, और उसके जो आगे का थोड़ा सा पार्ट कुछ इस तरह से छिल दूंगा। अगर आप बना रहे हो तो इसी तरह से इसको बनाना, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पर देखो तो यार ये अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है, और मैं आपको यहाँ टेस्टिंग भी करके दिखा रहा हूँ। तो यार देखो मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर गैस को मैंने ऑन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि यार चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इससे जो है हमारी गैस नहीं जल रही है। सो बेसिकली यार क्या बताऊँ मैं कि इसकी लाइट जो है बहुत अच्छी है, मतलब जो स्पार्क करता है बहुत अच्छा करता है, लेकिन बहुत ही कम स्पार्क करता है, जिससे हमारा गैस भी जो उसकी लाइट को पकड़ नहीं पा रहा है। यार 10 में से 2 बार ही काम करता है, मतलब 10 बार में किट 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 करूँ तो उसके बाद मतलब फिर 2 बार ही काम करता है। लेकिन यार अगर आप चाहो तो इसको बना सकते हो, इमरजेंसी के टाइम में शायद से काम आ जाए, लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि यार आप माचिस ही यूज़ कर लो इसको यूज़ करने से अच्छा। यार मैंने बना दिया, मुझे आइडिया नहीं था कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर दी, और तो मैंने सोचा चलो आपको बता ही देता हूँ कि अगर आप इसको बनाओगे, अगर एक लाइटर बनाओगे तो यार ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बेसिकली ये वर्क तो करता है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही कम, मतलब 20% चांसेस है कि अच्छी तरह से वर्क करेगा। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर इस वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, मैं यार हर एक का कमेंट रीड जरूर करता हूँ, और जितना हो सके मैं उस पर रिप्लाई भी देने का ट्राई करता हूँ। सो फ्रेंड बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।